अस्सलामुअलैकुम, अपने गौर वीडियो में आप सबको खुश आमदीद करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से खलेजी बनाती हूँ। इसको बनाने के लिए इसके अज्जा में जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल किया है वो है खलेजी। तकरीबन मैंने इसके लिए लिया है 1 किलो खलेजी, 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, इसको लंबे लंबे और बारीक काट दें, 2 अदद लहसुन, काली मिर्च जो है 1/4 चम्मच, 2 हरी मिर्चें, नमक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 1/4 चम्मच लें, और हल्दी पाउडर तकरीबन 1/4 चम्मच। कलेजी को बनाने के लिए इसको जो है आपने पहले लंबाई के रुख काट दें और उसके बाद चौड़ाई के रुख, यानी इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना है इस तरह से, बारीक बारीक और छोटे छोटे टुकड़े इसके बना दीजिए। ये सारे कलेजी को इसी साइज में काट दें। हर कोई अपने स्टाइल से जो है वो बना लेते हैं कलेजी, लेकिन जिस तरह से मैं बनाती हूँ, जो मेरी रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, इस तरह से मैंने इसको काट दिया छोटे छोटे टुकड़ों में, और अब एक पैन लिया है मैंने इसके लिए, और पैन में जो है तेल डाल दिया, तकरीबन 1/2 कप से भी कम तेल डाल के, जो प्याज को हमने बारीक बारीक काटा था उसको मैंने डाल दिया। प्याज डालने के बाद इसको जो है तेल के साथ फ्राई कर दीजिए, इस तरह से हिला दे के जब, ताकि प्याज जो है वो हर तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। प्याज को ज़्यादा तेज़ गोल्डन नहीं करना, बस थोड़ा सा जब ब्राउन हो जाए, तो इस तरह से जब हो जाए तो जो सीजनिंग मैंने कहा था जिसमें काली मिर्च थी, हल्दी पाउडर, नमक और हरी मिर्चें और लहसुन, इसको डाल दीजिए। ये सब डालने के बाद बस इसको थोड़ा सा भून लें। ये मज़ेदार अच्छी से खुशबू आ रही है मसाले की। जब थोड़ा सा भून जाए ये हल्दी पाउडर, काली मिर्च, तो जो लीवर यानी कि कलेजी को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया था उसको हम डाल देंगे, और ध्यान रहे इसको ज़्यादा आपने नहीं भूनना, बस तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए मीडियम आंच पे आप इसको भून लें इस तरह से। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़ेदार सी बनेगी। और नाश्ते के लिए तो है बहुत ही बेहतरीन है। देखिए खलीजी जो है वो भून रही है, देखिए कलर इसका चेंज हो रहा है। इस तरह से जब आप बनाएंगे तो खलीजी ज़्यादा सख्त नहीं आएगा, नरम नरम। बहुत सारे लोग कहते हैं जब हम खलीजी बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, लेकिन जब आप इस स्टाइल से बनाएंगे मेरे रेसिपी के मुताबिक तो इंशाल्लाह ज़्यादा सख्त नहीं आएगा। ये तकरीबन हमारा पक चुका है, देखिए देखिए कलेजी बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार से कलेजी हमारी तैयार है। जी दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे कलेजी की ये रेसिपी पसंद आएगी, और इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका अल्लाह हाफिज़।